सो हेलो गाइज, व्हाट्सअप, इट्स योर होस्ट टेक्निकल डॉक्स। गाइज, आज की वीडियो में एक्टिवा सेवन जी का आ रहा बताऊंगा आप लोगों को। इसके कलर वेरिएंट्स क्या होने वाले हैं, इंडिया में कब तक लॉन्च होगी, साथ ही साथ इसकी प्राइस क्या होने वाली है, माइलेज क्या देगी आपको, साथ ही साथ इसकी जो टॉप स्पीड है वो क्या होने वाली है, और भी बाकी सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में जानेंगे, जैसे स्पेसिफिकेशन वगैरह हो गई। तो एंड तक इस वीडियो को देखते रहना। चलो गाइज, ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं, जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। आप इंट्रो और थोड़े से एक्टिवा सेवन जी के शॉर्ट्स देख लो, फिर मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन देता हूँ आगे। Be cruising in my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not fucking likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running shit right, see. ओके गाइस, तो सबसे पहले बात करें कलर वेरिएंट से, तो आपको रेड कलर देखने को मिल जाएगा, येलो कलर देखने को मिल जाएगा, जिन्हें कुछ लोग गोल्डन भी कहते हैं, ब्लू कलर देखने को मिल जाएगा, ब्लैक मिल जाएगा, वाइट मिल जाएगा, और साथ ही साथ ग्रे कलर देखने को मिल जाएगा। तो ओवरऑल बात करें तो 6 कलर्स में देखने को मिलेंगे। सामने की तरफ डिस्क ब्रेक्स देखने को मिलेंगे, साथ ही साथ अलॉय व्हील्स होंगे, और उसी के साथ साथ आपको टेलीस्कोपिक फोक सस्पेंशन मिलेंगे आगे। और इसके बाद बात करें पीछे की, तो ड्रम ब्रेक्स आपको देखने को मिलेंगे, साथ ही साथ अलॉय व्हील्स होंगे पीछे, और नॉर्मल जो अपने स्प्रिंग वाले सस्पेंशन होते हैं डुअल, वो आपको देखने को मिल जाएंगे पीछे की तरफ। और डिज़ाइन की बात करें तो जो टिपिकल होंडा एक्टिवा का जी सीरीज़ है, जैसे 6G 5G हो गई, उसकी तरह डिज़ाइन रहने वाला है, ज़्यादा कुछ चेंज होने नहीं वाला। इंजन की बात करें तो BS6 कंप्लाइंट इंजन देखने को मिलेगा, 110 cc का आपको गियरलेस इंजन देखने को मिलेगा, जो नॉर्मल एक्टिवा की सीरीज़ में आपको देखने को मिल जाता है गाइस। अब इसके साथ साथ बात करें इसके टेल लैंप की, तो टेल लैंप आपको जो नॉर्मल है हेलोजन वाला देखने को मिल जाएगा, और हेडलैम्प जो है DRLs देखने को मिलेंगी, मतलब दिन भर वो चालू रहेगी DRLs, डे लाइट रनिंग लैंप्स, और साथ ही साथ वो LED होने वाली है। इंडिकेटर्स की बात करें तो नॉर्मल बल्ब वाले इंडिकेटर्स देखने को मिलेंगे, उम्मीद करते हैं अगर LED इंडिकेटर्स आ जाते हैं तो काफ़ी बढ़िया रहेगा। पीछे का जो डिज़ाइन है वो इस तरह से होने वाला है गाइस। अगर आपको लगता है कि इंडियन एक्टिवा की जो डिज़ाइन है उसी में कंटिन्यू करना चाहिए होंडा को, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, काफ़ी अच्छा फीडबैक होगा होंडा के लिए भी। अब गाइस इसके बाद बात करें इसकी जो माइलेज होने वाली वो कितने होने वाली गाइस। होंडा क्लेम करेगी 60 किलोमीटर पर लीटर की इसकी माइलेज, लेकिन रियल लाइफ की बात करें तो अराउंड अपने को 40-45-50 किलोमीटर पर लीटर आपको माइलेज देखने को मिल जाएगी। वो डिपेंड करता है आप ज़्यादा तेज़ चलाते हो या ज़्यादा धीरे चलाते हो, तो उस हिसाब से माइलेज कम ज़्यादा आपकी हो जाएगी। गाइस पीछे की तरफ देख सकते हो डिस्क ब्रेक आपको यहाँ पे दिख रहा है। अगर इसका कोई हायर एंड वेरिएंट आता है, मतलब टॉप मॉडल आता है इस स्कूटी का, तो होंडा उसमें पीछे की तरफ भी आपको डिस्क ब्रेक दे देगा। और इसके साथ साथ बात करें गाइस इसकी, अगर आप बात करें टॉप स्पीड की, तो 95 किलोमीटर पर आवर की इसकी टॉप स्पीड होने वाली है, जो कि थर्ड सर्विस में आपको मिल जाएगी, वरना 80 तो होंडा क्लेम ही करता है। अब इसके बाद बात करें इसके अंडर सीट स्टोरेज की, तो हाफ साइज हेलमेट आप इसमें रख सकते हो, और फ्यूल फिलर कैप इसको पीछे की तरफ देखने को मिल जाएगी बाहर की साइड आपको। इसके साथ साथ बात करें इंस्ट्रूमेंट पैनल आपको एनालॉग देखने को मिल जाएगा, और इसमें ओडोमीटर वगैरह है वो सब डिजिटल होगा, फ्यूल मीटर वगैरह सब कुछ, और जो है स्पीडोमीटर है वो एनालॉग देखने को मिलेगा। साथ ही साथ एक नया फीचर आ सकता है कि आपकी जेब में चाबी होगी तो स्कूटी स्टार्ट कर सकते हो आप लोग। गाइस मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना। मैं मिलता हूं आप सबसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, फैमिली वालों का ध्यान रखना, और बाय गाइस।